साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी लोगों को वैसे तो मैंने 19, 20, 21 तीन तारीख तीनों दिनों के लिए साधनाएं, एक सिद्धाश्रम साधना, एक गुरु दर्शन साधना और एक गुरु प्रत्यक्ष साधना, ये तीनों को चयन किया था। लेकिन एक तो कल हम सब जाके आए और ज़्यादा देर होने से कर हुआ और 19 को रात के 11 बजे से 19 के दिन भी साधना नहीं हुई, कल के दिन भी, और आज गुरु जी की साधना, गुरु जन्मदिवस की साधना। ये साधनाएं इतनी विशेष थी कि यहाँ अगर ये साधनाएं हम पांच माना भी संपन्न करते तो 1.25 लाख के बराबर थी, और गुरु दर्शन के लिए और सिद्धाश्रम प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनाएं कहलाई जाती। क्यों कि मैंने परम पूज्य सद्गुरुदेव से पूछा था, गुरु जी ये इतनी दूर से आए हैं और इनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें तो जरूर होंगी, वो पाप ताप दैनिक कुछ तो बना ही बना होगा, जो जिनके वजह से उनको या तो आपके ऊपर विश्वास होने पर भी या वो गुरु मंत्र और गुरु साधना करने पर भी उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, और इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा और ये कारण आप जानते हैं। मैं जब कल रात में साधना करने बैठा तो गुरु जी ने कहा, जोशी जब यहाँ आए, ये भूमि देवभूमि कहलाती है, यहाँ गंधर्व यक्ष अप्सराएं नित्य अपने अपने पेड़ों के उनके उनके पेड़ है, जैसे यक्षिणी अंकुल यक्षिणी है, निर्गुंडी यक्षिणी है, औदुम्बर यक्षिणी है, आम यक्षिणी है, ताम यक्षिणी, इस प्रकार हर पेड़ में एक ही यक्षिणी रहती है, जो जिस पेड़ को किसी कुल्हाड़ी या लोहा न काटा हो उस पेड़ पर निश्चित रूप से यक्षिणी रहती। अगर हम हमारे घर में भी कोई ऐसा पेड़ पालते हैं जिसको अगर लोहे का कोई भी वस्तु नहीं लगाया हुआ हो तो उस वृक्ष पर जरूर यक्षिणी का वास होता है। यही कारण था, पहले हम देखते थे कि वृक्षों के नीचे, जैसे पीपल वटवृक्ष के नीचे माताओं का निवास होता था जिसको काटना नहीं होता था, ये सारी चीज़ें होती थी। आप तो यहाँ जंगल है, कितना भी मनुष्य प्रयत्न करे ऊपर तक जाकर तो वो जाकर वृक्ष को लोहा लगाकर काट नहीं सकता, यहाँ कटे वो बात छोड़ दो, लेकिन जो वृक्ष है उसके ऊपर निश्चित रूप से यक्षिणियों का वास है, अप्सराओं का वास है, देवताओं का वास है। तो हम इन सभी चीज़ों को जब देखते हैं तो गुरु जी ने कहा कि ये भूमि ही श्रेष्ठ भूमि है। यहाँ जिस तिष्ठा नदी की बात कर रहा हूँ, तिष्ठा नदी के ये लोग कहते हैं, लेकिन उसका नाम है तिष्ठा, तो तिष्ठा क्या है, देवताओं के लिए और यक्षिणी गंधर्वों के लिए ही स्नान के लिए थी, मानवों के लिए नहीं थी। केवल उस उन नदियों में गंधर्व यक्ष अप्सराएं स्नान करती थी और अपने वृक्षों पर जाकर उससे उस नदी के पानी से वृक्ष पलते थे और उस नदी की श्रेष्ठता और भी। हम आज उसी नदी के किनारे बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा गुरु जी हम जब इतनी दूर आए हैं और हमारे साधकों को अगर उनके जीवन में सफलता नहीं मिली, ये बात अलग है कि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं या बहुत जल्दी खाना नहीं खाए तो आलस्य हो जाता है या फिर हम निर्हाल होकर गिर जाते हैं, आज खाना नहीं खाया, सुबह से नींद नहीं हुई कल रात में, फिर हम परेशान, नींद भी होनी चाहिए, खाना भी होना चाहिए, श्रम ऊपर अगर हम 3 बार ऊपर चढ़ के नीचे उतर गए तो शरीर निर्हाल हो गया, बस थक गए। इस तरह हमारा शरीर, क्योंकि हम हैदराबाद जैसे और उन नगरों में रहते हैं जहाँ बाहर निकलते हैं स्कूटर का किक या कार बनता है, हम बाहर चलने का तो हमारे छोड़ दिया, दौड़ना तो बात दूर की रही, और न ऊपर चढ़ते हैं न नीचे उतरते हैं, ये हमारी जीवन की शैली है, ये जीवन स्थिति है। इसके कारण हुआ ये कि हम इन इन सारी चीज़ों को कुछ नहीं कर सके और हमारे शरीर को इतना सामान्य बना दिया गया है कि शरीर कोई मेहनत नहीं चाहता, मेहनत करता ही नहीं, और ये जब मेहनत नहीं करता तो शरीर में अवयव नहीं घूमते, अवयव नहीं घूमे तो हम किस योग की बात करते हैं, आजकल योग और सिद्धियों की बात कर रहे हैं। तो चर्चा तो यही हुई कि ये सारी चीज़ें हो रही, मैंने कहा फिर भी गुरु जी ये सिद्धाश्रम के योग्य जैसे भी हैं, हम जैसे भी हैं आपके हैं, अब आप हमारी गलतियां निकालते बैठे तो हम गलतियों के तो एक पूरा हमारे पास पुट्ठा है, हम पूरी पेटी लेकर घूम रहे हैं गलतियों की पापों की, तो हम आप हमारे पाप और गलतियां मत गिनो, अब ये बिनो ये देखो कि अब हम आपके पास आए तो हमारी पेटी खाली कर दो, सारा कचरा आप उठा दो और हमें इतना अच्छा बनाकर भेज दो कि हमारी साधनाएं या हम जो भी करते हैं, जब भी आपका नाम लेते हैं, आप जैसे पहले सभी को प्रसन्न होते थे, बहुत सारे हम कहानियों में सुनते हैं, जैसे तिरुवन्नामलाई हो, लक्ष्मी नरसिंह स्वामी का हो, शिव जी का हो, वो शिवरात्रि के दिन महापात की आदमी था,
लेकिन गलती से उसको उस दिन शिकार नहीं मिली और झाड़ वो रात हो गई, झाड़ पे चढ़ गया, कोई सांप बिच्छू आता है बोल के, और उस पेड़ के नीचे ही यक्षिणी अप्सराएं पूजा करने आई शिव जी का शिवलिंग था, तो वो लोग घूम रहे शायद रात्र भर जाग करते बेल डाल देती, ये महान पापी रोज सभी को काट के खाता है, सभी को देता है, विवचों को गाली देता है, ऐसा पापी विरोध की झाड़ पर चढ़ा हुआ था, तो उसको नींद नहीं आ रही, झाड़ पर नींद नहीं आती, तो उसने वो जो लोग जैसा बोल रहे वैसा बेलों पर तोड़ता था और शिवलिंग के ऊपर फेंकता था इनको चिढ़ाने के लिए, वो भी भक्ति से नहीं, वो मनोशिवाय बोलते हैं। तो ऐसा आदमी भी जब दूसरे दिन ये हुआ कि वो नीचे उतरा तो गिर गया, गिरते ही मर गया, मर गया तो देखते क्या है कि वो पापी है, ऐसा मर गया, तो उतने में स्वर्ग से इंद्र ने उसके लिए एकदम बहुत बड़ा रथ भेजा, तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो पापी है, इसको तुम ऐसा कैसा रथ भेजे, बोले उसका एक ही पुण्य है, वो शिवरात्रि के दिन जागरण किया और बेल डाला, इसलिए उसका उस पुण्य से। अब हम करें तो मैं अगर ये बात बोलूँ तो आप बोलेंगे प्रभु हम उससे तो 100 गुना पुण्यवान हैं, हम बहुत बार उन्होंने बोलते हैं, हम उनसे भी ज़्यादा काम करते हैं, हम तो पुण्य की हमारे पास कोई स्थिति ही नहीं है, लेकिन क्यों हमारे पास नहीं है, हमारे पास वो वातावरण नहीं है, हमारे पास वो जिज्ञासा नहीं है कि हमने हमारे शरीर में पिज्ज़ा आइसक्रीम खाकर कोका कोला पीकर खराब कर दिया, हम कोई ऐसी अमृत वाली चीज़ पीते ही नहीं ना खाते नहीं, हमारी ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। मैंने माना कि प्रभु हम तो किसी भी प्रकार को हो हम पापी हैं, हमने पाप किया है, हम ये नहीं कहते कि हमारे खाने में शुद्धता है, हमारे रहने में शुद्धता है, हमारे घर में शुद्धता है, हमारे कपड़े शुद्ध है, हम स्नान से शुद्ध हुए, ये बात कभी नहीं कहता, क्योंकि हम किसी भी हमारे घर पे आने वाले पानी में शुद्धता है इसका भी गारंटी नहीं है, हम पानी शुद्ध करते करते हम ऐसे होंगे बीमार बन गए, पानी में ऐसे मिनरल्स निकल गए और हम मिनरल वाटर पी रहे हैं, हमारी वो शक्ति भी नहीं है, इस प्रकार हमारे शरीर को बिगाड़ते हुए हम ही चल रहे, ये बात सब कुछ सत्य है और हम इस सत्यता को मानते हैं, फिर भी प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं, तो आपको कुछ करना, अब हम कुछ करने लायक नहीं है, आपको कुछ करना है कि हमें पवित्र बनाओ और हमारी को सिद्धि प्रदान करो, हम आपका मंत्र जप करते हैं, हम आपके चरणों में अपना सर झुका देते हैं और हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे श्रद्धा के साथ रहते हैं, अब पाप पुण्य तो आप गिनते रहो, हमारे किनारे पे दोनों किनारे के ऊपर तो पाप इकट्ठा हो रहा है, लेकिन हम बीच में से जो बह रहे हैं वहाँ आप है, हमारी इस नदी को स्वच्छ करो, हमारे जीवन प्रवाह को आप शुद्ध करो, हमारे दोनों किनारे भी मैले हो चुके हैं। ये बात मैंने कल रात में जो भी योगिनियाँ जैसे धर्म योगी थे बहुत आंखों में पानी लाकर मैंने कहा कि प्रभु हम थक गए हैं, अभी आगे चलकर हमारे अगर हम आपके नाम को इस संसार में अच्छा नाम एक प्रभु डॉक्टर नारायण तिवारी जी के स्वामी नित्यानंद जी के शिष्य हैं, ये बात अगर हम नहीं कर सके तो हम उन गुरुओं के शिष्य ही करेंगे जो अपने लिए जीते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि डॉक्टर नारायण तिवारी जी के शिष्य अपने लिए नहीं जीता और अपने गुरु के साथ हमारी गुरुदेव की दी हुई कोई भी साधना कोई भी देवता की साधना गुरुदेव इसलिए दी है कि वो कोई भी साधना तुम्हारे लिए कोई सिद्धि अगर आ गई तो वो तुम्हारे साथ एक संसार को लेकर चलेगी, एक पूरे गांव को सिद्ध करने पूरे गांव को सिद्ध करने के लिए चल सकती है एक साधना। अगर हम मेडिटेशन करते हैं ये सब हमारी शांति के लिए, हम मेडिटेशन में बैठ गए हमारी भी शांति है, हमारे बाजू वाले को शांति थोड़ी ना करे उसको भी मेडिटेशन करना है, लेकिन आजकल का संसार वैसा नहीं है, हमने यहाँ राक्षसों को भी देखा है, राक्षस आज के जीवन में आप कुछ काम करो या ना करो किस लिए वो मारते हैं तुम्हें पता नहीं, जैसे आतंकी आ गया है, टेररिस्ट आ गया है, क्या हम मेडिटेशन में बैठ गए तो मेडिटेशन से उस आतंकी को रोक सकते हैं, ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, और रोक भी सके तो तुम्हारे हद तक रोक सकेंगे, तुम्हारे बालू वाला मरता है तो तुम मेडिटेशन में बैठे हो तो क्या उसकी रक्षा कर सकते हो, आतंकी से नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास कुछ साधनाएं ऐसी है, हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से 100 किलोमीटर तक कोई आतंकी ना आ सकता है ना उसको किसी को मार सकता है, इतनी श्रेष्ठ साधनाएं, इतना ब्रह्मचक्र रक्षा चक्र हमारे पास हो सकता है। प्रभु जिसे मैंने प्रार्थना की कि ऐसी कौन सी साधना है प्रभु जो मेरे साथ आए हुए जो भी साधक है, चाहे वो मेरे गुरु भाई हो, मेरे शिष्य हो, मुझे किसी प्रकार माँ बाप के रूप से बेटी बनकर मान देते हो, शिष्य बनकर देते हो, भाई बनकर देते हो, तो उन सभी को भी एक ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान कर सको जो वो जहाँ भी बैठे हो उनकी साधनाओं में आप उनकी रक्षा कर सके और उनकी रक्षा के साथ साथ उनके साथ बैठे हुए लोगों को भी रक्षा कर सके। उन्होंने एक बार यही ऐसी ही बात चली तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों भी कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र के मैदान को देखने के लिए गए कि मैदान कितना बड़ा है, यहाँ कितने घोड़े कितने हाथी
कितने लोग यहाँ युद्ध कर सकते हैं, ये देखने मैदान, जैसे हम क्रिकेट का मैदान क्रिकेट के लिए पहले देखते हैं, तो एक तरफ से कौरव देख रहे थे, एक तरफ से पांडव, पांडव की तरफ से कृष्ण और अर्जुन दोनों देखने गए। तो देखते क्या है कि वो मैदान को साफ करने के लिए एक वृक्ष को एक हाथी से खिंचवा ले जाता, उसको उखाड़ देना था जड़ से, क्योंकि वो कोई तकलीफ ना ले, और मैदान को साफ करना था। तो दूर से देख रहे थे कि उसको, उस कृष्ण, उस वृक्ष को एक हाथी जड़ से उखाड़ रहा था, और जड़ से उखाड़ रहा था तो उसके ऊपर घोंसले से गौरैया पक्षी, एक पक्षी होता है, उसके अंडे के साथ वहां पर बैठा हुआ था उस पेड़ के ऊपर। जैसा ही हाथी ने उस वृक्ष को हिलाया, वो अंडों के साथ वो घोंसला नीचे गिर गया, और पक्षी ची ची करके पुकारता रहा, बच्चे भी पुकारते रहे, और कृष्ण और अर्जुन वहां से जा रहे थे। तो अर्जुन ने देखकर कहा, प्रभु क्या तुम्हारी लीला है, देखो पक्षी कैसे पुकारे। लेकिन कहते हैं उस जमाने में भगवान को, देवता को, और रावण भी लिखता है कि उनको पक्षियों के बातों का ज्ञान था, पशुओं के ज्ञान बातों का ज्ञान रहता था। हमने देखा है भालू जामवंत बात कर सकते थे, वानर हनुमान जी के साथ जितने भी थे वो लोग बात कर सकते थे, और जटायु पक्षी बात कर सकता था। ये रामचंद्र जी के जमाने की बात है। तो इसी तरह कृष्ण के जमाने में भी पक्षी को, पक्षी जो भी कहते थे उसका ज्ञान। आज सुबह में मैंने कहा कि एक पक्षी पुकार रहा था तो वो माँ माँ कह रहा है, क्यों माँ कह रहा है, तुम रुद्रचंडी का हवन करो, मेरे बच्चों की रक्षा होगी, ये उसका कथन था। जो जानने वाले जानते हैं, नहीं जानने वाले तो पक्षी पुकार रहे हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जब जा रहे थे, तो उस पक्षी ने कृष्ण की तरफ देखा और कहा, हे प्रभु, आप मेरी पक्षियों की रक्षा करो जो घोंसले से नीचे गिर गए। देखो हाथी अब कुचल देगा मेरे पक्षी, मेरे बच्चे सारे मर जाएंगे, और इन सारी चीजों की आप कुछ भी करते हुए रक्षा करो प्रभु। ऐसा वो गौरैया पक्षी कृष्ण से पूछ रहा था। तो अर्जुन भी वहां खड़े थे, अर्जुन ने देखा, प्रभु वो आपको कुछ कह रहे हैं, तो आप अगर कहे तो मैं वो पक्षियों के बच्चों को निकाल कर एक अच्छी जगह रख देता हूँ, और उस पक्षी को भी अच्छी जगह रख देता हूँ, अर्जुन ने कहा। तो कृष्ण ने कहा, जैसी तेरी इच्छा। लेकिन पक्षी ने कहा, क्यों प्रभु अर्जुन को कह रहे हो आप ऐसा, क्यों, वो तो रक्षा करना चाहता है, आप क्यों नहीं रक्षा करते। तो कृष्ण ने कहा कि मैं प्रकृति के नियम में कोई दखल अंदाजी नहीं करता, जो प्रकृति का नियम है उसमें मैं कभी अपना हाथ नहीं डालता। प्रभु की इच्छा थी, हाथी नहीं हिलाए, पक्षी गिर गए, पक्षी जा रहे हैं, उसके बारे में मेरे कुछ लेना देना नहीं। तो अर्जुन ने कहा, ये तो अन्याय है प्रभु। तो कृष्ण ने कहा, ये अर्जुन, अन्याय तो तब भी था कब, जब धर्मराज जुआ खेल रहे थे। आदमी जब पाप करते रहता है ना, तो समझता है कि भगवान मुझे नहीं देख रहे, चलो आंख मार के अपन पाप करेंगे, पी लेंगे आज, फिर लड़की को लाइट मारेंगे, गुरु गुरु अभी नहीं देखता। जब उसका परिणाम गलत होता है तो प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे से गलती हो गई। तो उन्होंने यही कहा कि जुआ खेलता था उससे पहले मेरे से प्रार्थना करता तो मैं जुआ खेलने से रुकता था, लेकिन उसने प्रार्थना तब नहीं की, जब जुआ खेल के सब हार गया तब प्रार्थना शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु द्रौपदी की क्या गलती थी, यही गलती थी कि उसने तुम्हारे लोगों से शादी कर ली। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप भी जिस रात में द्रौपदी के साथ शादी करने वाले भी तो आप ही थे, आपने ऐसा क्यों किया। मैं यही कह के नहीं किया कि तुम जुआ खेलो, मैं ये समझ रहा था कि पंचपतियों की भार्या है वो सुखी रहेगी, लेकिन इसका कारण ये हुआ कि तुमने कभी जब जुआ खेल रहे थे या शादी हो गई तो मुझे याद नहीं किया। कब याद किया आपने, जब ये खेलने के बाद तुम्हारे घर परिणाम हुआ, और द्रौपदी भी तब तक आनंदित थी जब तक देख रही थी, और जब तक वहाँ उनका उसका चीरहरण हो रहा था तो वो धर्मराज को, भीम को, अर्जुन को, सबको पुकार रही थी, भीष्म को पुकार रही थी, और कोई उसके पास आने के लिए तैयार नहीं थे, वहाँ धर्म था लेकिन फिर भी कोई उसके सहायक नहीं। लेकिन जब द्रौपदी ने एक ही पुकार की कि भगवान अब मेरे तेरे से कोई रक्षा नहीं है, मैं एक मिनट में आ गया और उसकी रक्षा किया, वो पुकार में श्रेष्ठता है। तो मुझे तो अर्जुन ने यही कहा कि प्रभु आप अगर द्रौपदी का चीर हरण होने से पहले युवा खेलने से पहले ही रोक देते काम ही नहीं होता तो मेरे महाभारत ही नहीं होता था, दखलंदाजी नहीं थी। मैंने इसके लिए नहीं रोका कि तुम्हें गलती करनी, तुम गलती करते हो, गलती करते समय गुरु याद नहीं आता, गलती करने के बाद उसका परिणाम आने के बाद याद आता है, पीते समय कुछ भी याद नहीं आता, जब लीवर खराब हो जाए तब गुरु याद आता है, गुरु जी कैंसर हुआ क्या करेंगे, पीना छोड़ दिया, छोड़ देना था पहले। तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में कैसी है कि हम गलती करने के बाद होते। तो कृष्ण यही बता रहे थे कि वो हाथी ने उस वृक्ष को खिलाया, पक्षी गिर गया, पक्षी वहाँ बैठा हुआ है, उसको हम क्या कर सकते हैं, गौरैया प्रार्थना करता प्रभु आप मेरी रक्षा करो। कृष्ण गए
तुम्हारी नसीब में जो होगा होगा। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। कृष्ण और अर्जुन वहाँ से चलते हुए निकल गए और पक्षी रोते हुए गया। कृष्ण आगे चले जाने के बाद युद्ध शुरू होना था। युद्ध के पहले दिन रथ आकर खड़े हुआ, सब लोग देखे तो कृष्ण की दृष्टि उस हाथी पर गई जिस हाथी ने उस पुरुष को गिराया। वो हाथी वही खड़ा हुआ था जहाँ वो खड़ा हुआ था। तो अर्जुन से कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तेरा धनुष और बाण मेरे को दे दे। बोले प्रभु मेरे को बोलो, आपको बस आपको यही था ना, उसका रिवेंज लेना था जो उस पक्षियों को गिरा दिया है, उसने उस हाथी को मारना है। आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं मारता हूँ हाथी को। तो कृष्ण ने हंसते हुए कहा, सिर्फ तुझे मैंने कहा है कि आज्ञा का पालन कर, धनुष और बाण मुझे दे दे। अर्जुन ने धनुष और बाण दे दिए। तो कृष्ण ने अपना धनुष और बाण रखा और बाण छोड़ा। जैसा ही बाण छोड़ा तो हाथी के गले में इतना बड़ा घंटा था, वो घंटा टूट के नीचे गया। और अर्जुन हंसने लगा, क्या प्रभु हाथी को भी नहीं मार सके, एक बाण जाके हाथी को भी घंटे को जाके लगा उसके, और वो घंटा टूट के पड़ा। कृष्ण ने कुछ भी नहीं बोले, हंसे चले गए। बाद में 18 दिन तक युद्ध चलता रहा। युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए, सब कुछ हुआ। 18 दिन के बाद जब सब लोग शव प्रेत वगैरह सब पड़े हुए थे, तो कृष्ण अर्जुन देखने के लिए आए, कौन कौन मरे हैं, कौन जिंदा है, किसको ले जाना है। दोनों मिलके चलते हुए जा रहे थे। जाते जाते देखा कि वो जो घंटा वहाँ पड़ा हुआ था वैसा ही पड़ा हुआ, क्योंकि हाथी ने उस वृक्ष को उखाड़ने के लिए जितना प्रयत्न किया था लेकिन वो वृक्ष उखड़ा नहीं और वही था, और हाथी भी वैसा ही बंदा था, उसको कोई छोड़ने वाले नहीं। तो घंटा जब गिरा हुआ था तो कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वो जो घंटा वहाँ गिरा हुआ है ना, उसको प्रभु अभी ये घंटा क्यों को उठा रहे, किस लिए उठाना है। बोले तू घंटा तो उठा दे। अर्जुन ने वो घंटे को उठाया, देखते क्या है, उसकी गौरव की छोटी छोटी पक्षियाँ अपने पंख उड़ाकर देखते हुए और उसकी